Good morning, students. Today in ENV, we are going to start reading of lesson number 15, our school. We completed hard words of this lesson. Today we are going to read page number 15. WEVGOGOTO2SCHOOL school. 2. Learn, L-E-A-R-N, learn, many things, M-A-N-Y, many, T-H-I-N-G-S, things. We go to school to learn many things. मतलब हम लोग स्कूल जाते हैं. किसके लिए आप लोग स्कूल आते हैं? बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने के लिए है ना. स्कूल में आप आते हो तो आपको कितना सारा नया नया चीज़ सीखने को मिलता है, राइट? आपको स्कूल में डांस कराते हैं, खेल गेम्स खिलाते हैं, है ना, ऐसे, और पढ़ाते हैं, तो उसमें से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है, राइट? तो हम लोग स्कूल में से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना, शेयरिंग सीखते हैं. आप लोग आपके फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करते हो ना, शेयरिंग सीखते हैं, कैसे बात करनी है बड़ों से, कैसे टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, वो सब आपको स्कूल में सिखाते हैं, राइट? स्कूल में से आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है ना. वी लर्न टू रीड एंड राइट इन अवर स्कूल. हम लोग स्कूल में दूसरा क्या सीखते हैं? राइट. वी लर्न, लर्न यानी कि सीखना. टू रीड, टू रीड यानी कि हम लोग कोई चीज़ को पढ़ना होता है, हमें रीड करना, वो सब हमें कहाँ से सीखने को मिलता है? स्कूल में से, राइट? फिर राइट यानी कि लिखना, तो आपको लिखना है. ए बी सी डी से आपको स्टार्ट करवाते हैं ना. LKG में जब होता है, नर्सरी में जब होता है, तो आपको ABCD सिखाते हैं, फिर आपको रीडिंग सिखाते हैं, फिर आगे आगे आपको ज़्यादा सिखाते हैं ना. तो हमको यहाँ पे रीडिंग सिखाते हैं, राइटिंग सिखाते हैं, राइट? आवर स्कूल हैज़ अ बिग बिल्डिंग. मतलब हमारा स्कूल में बिग बिल्डिंग यानी कि बड़ी बिल्डिंग है, राइट? हमारा स्कूल, देखो यहाँ पे पिक्चर में दी है, बिग बिल्डिंग. हमारा स्कूल, स्कूल में भी है ना बिग बिल्डिंग, है ना, आपके स्कूल में भी, राइट? ईट हैज़ मैनी क्लासरूम्स. यहाँ पे बहुत सारे क्लासरूम्स है ना, बहुत सारे, फर्स्ट के अलग, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकेंड, थर्ड, थर्ड सेकेंड ए, सेकेंड बी, ऐसे बहुत सारे क्लास है ना हमारे स्कूल में भी, और उसकी बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है, राइट? देखो यहाँ पे हमारे स्कूल का पिक्चर दिखाया है, अवर स्कूल, और यहाँ पे पिक्चर है प्ले ग्राउंड का. प्ले ग्राउंड का यानी कि जहाँ पे हम लोग खेलते हैं ना, हमारे स्कूल में भी बहुत बड़ा ग्राउंड है ना जहाँ पे हम खेलते हैं. फिर स्लाइडिंग, स्विंग्स, वो सब का भी अलग अलग ग्राउंड है, राइट? और आपको बॉल से खिलाते हैं मैडम, वो सब का भी अलग ग्राउंड है, राइट? तो हमारे स्कूल में भी ऐसा बिग ग्राउंड है. वी प्ले डिफरेंट गेम्स. WEVPLAY प्ले यानी कि खेलना, डिफरेंट यानी कि अलग अलग, है ना, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खिलाते हो ना आपको, डोज बॉल वगैरह. आपको अब जब फर्स्ट में सेकेंड में आओगे ना, तब आपको सर है हमारे गेम्स के, वो अलग अलग आपको गेम्स खिलाएंगे. GAMES गेम्स, IN अवर प्ले ग्राउंड, OUR अवर, PLAY प्ले, GROUND ग्राउंड. प्ले ग्राउंड यानी कि खेलने का जो ग्राउंड होता है उसको बोलते हैं प्ले ग्राउंड. वी प्ले डिफरेंट गेम्स इन अवर प्ले ग्राउंड. मतलब हम लोग हमारे प्ले ग्राउंड में डिफरेंट यानी कि अलग अलग टाइप्स की गेम्स खेलते हैं, राइट? देन नेक्स्ट पिक्चर इज क्लासरूम. क्लासरूम हमारा क्लासरूम है. आप अभी फर्स्ट में आए हो, फर्स्ट ए में हो, फर्स्ट बी में है, तो फर्स्ट ए का क्लासरूम भी अलग है, फर्स्ट बी का क्लासरूम भी अलग है. उसमें क्लासरूम में क्या होता है, टेबल, टेबल होती है ना टीचर के लिए, फिर आपके लिए बेंचेस होती है ना, टेबल चेयर होती है टीचर के लिए, ओके? तो क्लासरूम में देखो इस पिक्चर में भी है, टीचर कैसे टेबल के पास खड़ी है, वो पढ़ा रही है, और बच्चे अपनी प्लेस पे, अपनी बेंचेस पे ऐसे बैठे हैं, राइट? ऐसे आपका भी है बेंचेस, और आपको भी अब स्कूल में ऐसे बेंचेस में बिठाते हैं ना. सो वी सिट, बैठ के आप लोग स्टडी करते हो ना क्लास में. वी सिट एंड स्टडी इन अवर क्लासरूम. हम लोग हमारे क्लासरूम में बैठते हैं एंड स्टडी करते हैं, राइट? यानी कि पढ़ते हैं. WEVSIT सिट, ANDI एंड STUDY स्टडी. सिट यानी कि बैठना एंड स्टडी यानी कि पढ़ना. इन अवर क्लासरूम, IN इन, OUR अवर,
CLASS क्लास ROOM रूम क्लासरूम, यानी कि हम लोग जहाँ पे बैठते हैं एंड पढ़ते हैं हमारे क्लासरूम में। देन स्कूल हॉल, हमारे स्कूल में भी आपने देखा है आपका फंक्शन हुआ था, आप जब HKG में थे तब आपका जब ग्रैंड पेरेंट्स वाला फंक्शन हुआ था वो हमारे ग्राउंड में हुआ था, लेकिन क्रिसमस का फंक्शन और होता है तो वो सब हमारे स्कूल हॉल में होता है ना, असेंबली होती है तो वो सब हम लोग फंक्शन कहाँ पे करते हैं, स्कूल हॉल में, राइट। तो हमारे स्कूल में भी ऐसा बहुत बड़ा हॉल है ना। वी अटेंड द असेंबली, असेंबली यानी कि सब लोग साथ में बैठ के प्रेयर करते हैं, वो सब करते हैं स्कूल में। स्कूल में कोई भी फंक्शन है तो वो सब भी स्टैंडर्ड के लोग एक साथ बैठ के फंक्शन अटेंड करते हैं, है ना। तो हम लोग वो सब किस में करते हैं, हमारे स्कूल हॉल में, राइट। वी अटेंड द असेंबली, अटेंड यानी कि हम लोग वो, वी अटेंड द असेंबली, अटेंड यानी कि हम लोग शामिल होते हैं, राइट। उसमें फंक्शन होता है तो उसमें भी हम शामिल होते हैं, असेंबली यानी कि सब लोग साथ में बैठ के प्रेयर करते हैं उसको असेंबली बोलते हैं। एंड स्कूल फंक्शंस इन अवर स्कूल हॉल, वी अटेंड द असेंबली एंड स्कूल फंक्शंस इन अवर स्कूल हॉल, हम लोग हमारे स्कूल हॉल में असेंबली करते हैं एंड स्कूल फंक्शंस करते हैं, राइट। नेक्स्ट लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी यानी कि जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती है, हमारे सब्जेक्ट्स की नहीं उसके अलावा भी बुक्स होती है, स्टोरी बुक्स होती है, वैसी नॉलेज की सभी बुक्स होती है वहाँ, उसको बोलते हैं लाइब्रेरी। वी रीड, WEVREAD, रीड BOOKS, बुक्स, वी रीड बुक्स इन अवर लाइब्रेरी, LIBRARY, वी रीड बुक्स इन अवर लाइब्रेरी, हम लोग बुक्स पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं, है ना। वी लर्न, यहाँ पे ये देखो ये जो आपको पिक्चर में दिखा है वो है आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, ART, आर्ट यानी कि ड्राइंग का, जो हम लोग ड्राइंग तो हमारे क्लास में करते हैं लेकिन कुछ क्राफ्ट वर्क होता है वो सब होता है तो हम लोग उसके अलग क्लास में करते हैं ना, उसको AV रूम, हमारे स्कूल में भी AV रूम है ना जिसमें हम आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम। वी लर्न टू, लर्न यानी कि सीखना, DRAY, ड्रो यानी कि ड्रो करना यानी कि कुछ पिक्चर होता है उसको दौड़ना। एंड पेंट, पेंट यानी कि कलर करना, PAINT, पेंट इन अवर आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, क्राफ्ट यानी कि कोई जैसे कोई चीज़ होती है उसको हम लोग बनाते हैं, पेज में से फूल बनाते हैं ऐसा सब बनाते हैं उसको बोलते हैं क्राफ्ट करना, राइट। सो वी लर्न टू ड्रॉ एंड पेंट इन अवर आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, हम लोग पेंट करना ड्रॉ करना कहाँ पे सीखते हैं, हमारे आर्ट रूम में और हमारे क्राफ्ट रूम में, राइट। नेक्स्ट कंप्यूटर रूम, देखो यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर, इसको क्या बोलते हैं, मॉनिटर, ये CPU, ये सब कंप्यूटर है, यहाँ पे देखो माउस, ये सब कंप्यूटर, ये हमारे कंप्यूटर रूम में क्या होता है, कंप्यूटर। आप अभी सेकंड में होंगे तो आपके लिए भी कंप्यूटर रूम है हमारे स्कूल में, आपको भी कंप्यूटर, आप सब्जेक्ट आता है ना अभी कंप्यूटर की मैडम दिखाती है ना आपको कंप्यूटर माउस CPU, तो आप सेकंड में जब आओगे तो आपको भी कंप्यूटर रूम में ले जाएंगे और कंप्यूटर सिखाएंगे, है ना। वी लर्न अबाउट कंप्यूटर्स इन अवर कंप्यूटर रूम, COMPUTER, कंप्यूटर ROOM रूम। वी लर्न, लर्न यानी कि सीखना, वी लर्न अबाउट कंप्यूटर्स यानी कि कंप्यूटर्स के बारे में हम लोग जो सीखते हैं वो हम हमारे कंप्यूटर रूम में सीखते हैं, राइट। ऐसे हमारे स्कूल में बहुत सारे रूम्स होते हैं, क्लास रूम, क्राफ्ट रूम, कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी, स्कूल हॉल, गार्डन, प्ले ग्राउंड, है ना। हमारे स्कूल में भी ये सब ही है, ये सब हमारे स्कूल के बारे में बता रहा है। देन नेक्स्ट क्या है, कैंटीन, CANTEEN, कैंटीन, कैंटीन यानी कि हमने हार्डवर्ड्स में देखा था, कैंटीन यानी कि जहाँ पे खाने की चीज़ मिलती है, जहाँ पे खाना नाश्ता मिलता है उसको बोलते हैं कैंटीन। आप लोग तो अभी छोटे हो लेकिन जो बड़े स्टूडेंट्स होते हैं ना वो लोग कैंटीन में से खाना लेकर खाते हैं। वी बाय इटेबल्स, वी बाय, बाय यानी कि खरीदना, इटेबल्स यानी कि खाने की चीज़ जो हम खाते हैं उसको बोलते हैं, खाने की चीज़ जो हम
खाते हैं उसको बोलते हैं ईटेबल्स. सो हम लोग कहाँ से खरीदते हैं उसको, हमारी कैंटीन में से, राइट. वेफर मिलती है, चॉकलेट्स मिलती है, वो सब हमारी कैंटीन में मिलता है ना. सो वी बाय ईटेबल्स फ्रॉम अवर कैंटीन. हम लोग हमारे कैंटीन में से खाना खरीदते हैं. नेक्स्ट क्या है, म्यूजिक एंड डांस रूम. म्यूजिक MUSIC म्यूजिक, ANDएंड DANCE डांस रूम. डांस रूम, आप अभी सेकेंड में होंगे ना तब आपको भी डांस का लेक्चर होगा, डांस का पीरियड होगा, तो उसमें आपको डांस रूम में ले जाएंगे और आपको डांस करवाएंगे, है ना. वी लर्न WEVLEARN लर्न यानी कि सीखना, टू सिंग, सिंग यानी कि गाना गाना, एंड डांस, डांस यानी कि नृत्य करना. वी लर्न टू सिंग एंड डांस इन अवर म्यूजिक एंड डांस रूम. हम लोग गाना गाते हैं और डांस करते हैं हमारे म्यूजिक रूम में और हमारा डांस रूम में. ओके, हमारे स्कूल में भी डांस रूम है. अब जब सेकेंड में हो गए ना अभी, तो आपको भी डांस करवाएंगे. नेक्स्ट क्या है, गार्डन. गार्डन में जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उसको बोलते हैं गार्डन. हमारे स्कूल में भी बहुत सारे ट्रीज है ना, प्लांट्स है, वो सब उसको बोलते हैं गार्डन. अवर स्कूल गार्डन हैज़ मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स. मतलब हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल के गार्डन में बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स यानी कि बहुत सुंदर सुंदर फूल है, राइट. रोज ऐसा सब होता है ना, उसको बोलते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर्स. नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफिस. प्रिंसिपल्स ऑफिस यानी कि हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, जो सब स्कूल का हैंडल करते हैं, टीचर्स को सबको हैंडल करते हैं, स्टूडेंट्स को, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स. तो उसकी अलग ऑफिस होती है, राइट. तो उसको जिसमें प्रिंसिपल बैठते हैं और अपना काम करते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफिस. अवर प्रिंसिपल सिट्स इन द प्रिंसिपल ऑफिस. हमारे प्रिंसिपल जो है वो कहाँ पर बैठते हैं, प्रिंसिपल की ऑफिस में, राइट. ओ यू आर अवर PRINCIPAL प्रिंसिपल. अवर प्रिंसिपल सिट्स यानी कि बैठना इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस. हमारे प्रिंसिपल जो है वो अपनी प्रिंसिपल की ऑफिस में बैठते हैं. नेक्स्ट स्टाफ रूम STAFF स्टाफ. स्टाफ यानी कि बहुत सारे टीचर स्कूल में होते हैं, सभी क्लास के अलग अलग टीचर होते हैं, फर्स्ट के अलग, सेकंड के अलग, थर्ड के अलग, फोर्थ के अलग, ऐसे सभी. तो वो सब टीचर्स को साथ में क्या बोलते हैं, स्टाफ. क्या बोलते हैं, स्टाफ. और स्टाफ रूम यानी कि जो सभी टीचर्स साथ में अपने फ्री टाइम में जहाँ पे बैठते हैं उसको बोलते हैं स्टाफ रूम. ओके, अवर टीचर्स यूज द स्टाफ रूम इन देयर फ्री पीरियड्स. ओ यू आर अवर TEACHERS टीचर्स. हमारे टीचर जो होते हैं स्टाफ रूम में कब बैठते हैं, जब उसको फ्री टाइम होता है, फ्री पीरियड होता है, कोई क्लास में कोई लेक्चर नहीं होता है, तब वो सभी टीचर्स कहाँ पे बैठते हैं, स्टाफ रूम में, राइट. नेक्स्ट मेडिकल रूम. मेडिकल रूम यानी कि हमारे, आप लोग जब बीमार पड़ते हो तो आपको भी मासी बा दवाएँ देती है ना, फिर कोई लग जाता है, आप खेलते खेलते लग जाता है, गिर जाते हैं तो पट्टी कर देती है, तो हमारे स्कूल में मेडिकल रूम होता है जिसमें सारी दवाएं रखते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं. ओके, तो उसको बोलते हैं मेडिकल रूम. व्हेन वी आर हर्ट, मतलब जब हमको लग जाती है, हर्ट यानी कि कुछ लग जाता है, तब हम हर्ट होते हैं ना, देखो इसके पैर में कैसा लग गया, हर्ट हुआ है ना वो. और फॉल सिक यानी कि बीमार पड़ जाते हैं, तब हम लोग कहाँ पे जाते हैं, हमारे मेडिकल रूम में. आपको पेट में दर्द होता है या कुछ होता है, लगता है, तो आप भी जाते हो ना मेडिकल रूम में मासी से दवाई लेने के लिए. ऐसे हमारे सभी के स्कूल में मेडिकल रूम होता है. ओके, तो ये सभी जो गार्डन, प्रिंसिपल ऑफिस, स्टाफ रूम, मेडिकल रूम, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, ये सब हमारी स्कूल में भी है, राइट. तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ आज, अवर स्कूल के बारे में. अवर स्कूल यानी कि ये सब क्लासरूम्स, ये सब हमारे स्कूल में भी ऐसा होता है, राइट, वो आज हमने देखा. स्कूल स्टाफ. देर आर मैनी पीपल इन स्कूल यानी कि स्कूल स्टाफ में पूरा स्कूल स्टाफ देखते हैं, सिर्फ टीचर्स नहीं, पूरा स्कूल स्टाफ देखते हैं. तो उसमें बहुत सारे पीपल होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, राइट. यानी कि हमारी स्कूल क्लीन रहती है, हमारी स्कूल क्लीन रहती है तो किसकी वजह से क्लीन रहती है, स्वीपर होते हैं ना, जो हमारी स्कूल को साफ सफाई करते हैं.
तो वो हमें ऐसे स्कूल स्टाफ में ही वो काउंट होते हैं राइट, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, फिर पीयून होते हैं जो हमारा ध्यान रखते हैं राइट, मासी बा, और फिर स्कूल को साफ करने वाले स्वीपर जो होते हैं वो भी स्कूल स्टाफ में ही आए हैं, फिर आपको जो दवाएं देता है नर्स होती है स्कूल में वो भी स्कूल स्टाफ में आता है, देन आप स्कूल बस, हमारे स्कूल में तो हमारे स्कूल में नज़दीक है इसीलिए हमारे स्कूल में स्कूल बस नहीं है, लेकिन दूसरी स्कूल में स्कूल बस भी होती है, तो स्कूल बस को ड्राइव करने के लिए ड्राइवर चाहिए तो वो भी स्कूल स्टाफ में आता है, फिर गेट कीपर होता है, वॉचमैन दादा बैठते हैं ना हमारे स्कूल के बाहर, तो वो भी स्कूल स्टाफ में आता है, फिर फीस लेने के लिए अलग होते हैं क्लार्क होते हैं राइट, वो भी स्कूल स्टाफ में आता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग स्कूल में काम करते हैं ना, बहुत सारे लोग स्कूल में हेल्प करते हैं, स्कूल का स्टाफ कहलाता है उसको, क्या बोलता है स्कूल का स्टाफ कहते हैं उसको, वी मस्ट थैंक देम फॉर हेल्पिंग अस, मतलब वी मस्ट यानी कि हमें उसको थैंक यानी कि हमें उसको थैंक यू कहना चाहिए कि वो हमें बहुत सारी हेल्प करते हैं राइट, हमारे स्कूल क्लीन रखते हैं, तो हम स्कूल क्लीन रखने के लिए हम हमारे स्कूल के पीयून होते हैं, हमारे स्कूल के स्वीपर होते हैं उसको हम लोग थैंक यू कहना चाहिए, फिर हमारे वॉचमैन होते हैं जो हमारे स्कूल की ध्यान रखता है ना, चौकीदारी करता है, तो उसको भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए, हमारे टीचर के थैंक यू बोलना चाहिए, स्कूल बस का ड्राइवर होता है उसको थैंक यू बोलना चाहिए, फिर हमारी लाइब्रेरी में जो सर बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं लाइब्रेरियन, तो उसका भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए, सो स्कूल के सभी स्टाफ को हमें थैंक यू कहना चाहिए कि वो हमारी बहुत मदद करते हैं ना। ऐसे यहाँ पे देखो ये सब पिक्चर दिए है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का पिक्चर, तो प्रिंसिपल ऑफिस में कौन बैठता है प्रिंसिपल, देन सेकेंड नर्स का पिक्चर है राइट, देन गार्डनर का जो हमारे स्कूल के गार्डन का ख्याल रखता है उसको बोलते हैं गार्डनर, वो तो आपको ये सब होमवर्क में करना है ओके, यहाँ पे लिख दो HW 2021 ओके, आपको ये होमवर्क में करना है, यहाँ पे आपको सभी पिक्चर्स दिए हैं देखो, स्कूल बस जो ड्राइव कर रहा है उसको बोलते हैं ड्राइवर, फिर ये टीचर है, ये लाइब्रेरियन है, ये गेट कीपर है, ये क्लार्क है, ये स्वीपर है, ये ओके ये सब हमारी ऐसी मदद करते हैं, तो आपको यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिए है उसमें से जो सही है यहाँ पे आपको लिखना है जो सही फोटोज़ को शूट करता है उसके लिए ओके, ये आपको होमवर्क में करना है ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द एक्सरसाइज ऑफ अवर स्कूल।